Hello everyone, this is Rashmi and in this video we are going to discuss about the solution of this chapter number 1 book NCERT class 12 mathematics exercise number 1.1 and the question number 1. So here the question is given that relation R in the shape A of human beings in a town at a particular time given by R is equal to XY, X and Y live in the same locality. So we have to check the question whether the relation is reflexive, transitive or symmetric. So let's get started. First of all, we will check it for reflexive. So reflexive में condition क्या था, xx should be belongs to R. तो इसमें क्या होगा, x and x live in the same locality. ये तो obvious है क्योंकि एक person उसको हम लोग अगर 10 बार भी लेते वो तो सेम ही रहेगा, तो इसीलिए दिस इज ऑब्वियस. ए पर्सन लिव इन द सेम लोकेलिटी इफ वी रिपीट हिम एन नंबर ऑफ टाइम्स. सो हियर इट इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्योंकि लॉजिकली तुम देखो एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या है, एक्स एक्स शुड बी बिलोंग्स टू आर. तो अगर हम लोग इसको एक्सपांड करते हैं तो हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस है, इसीलिए ये रिलेशन क्या होगा, इट विल बी रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में कंडीशन क्या था, एक्स वाई बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज डेट वाई एक्स बिलोंग्स टू R, मतलब एक्स वाई अगर आर में बिलोंग होगा तो वाई एक्स भी बिलोंग होगा. तो हम लोग पहले ये डिकोड करते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीनिंग क्या होगा, ये वाला एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी. देन वी कैन ऑल्सो राइट डाउन y and x live in the same locality. ये तो meaning same ही है, x and y live in the same locality and y and x live in the same locality. This is has the same meaning. That's why we can now say that yx belongs to R. तो देखो symmetric का जो condition था ये satisfied हो गया. yx belongs to R implies that yx belongs to R. तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन. नाउ गो फॉर ट्रांजिटिव. सो ट्रांजिटिव में कंडीशन क्या था, xy belongs to R and suppose yz belongs to R, then xz should be belongs to R. तो वन बाय वन हम लोग ये सॉल्व करते हैं. पहले हम लोग लेते हैं xy belongs to R and yz belongs to R. इसका मीनिंग क्या हो गया, x and y live in same locality and y and z live in the same locality. ठीक है, x and y live in the same locality then y and z live in the same locality. So तुम लोग ये देख सकते हो x, y and z live in the same locality. ठीक है,
एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर हम लोग ये दो सेंटेंस को कंबाइन करेंगे तो हम लोगों को मीनिंग देखने के लिए क्या मिलेगा, एक्स वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। सो इससे हम लोग और भी ऐसे लिख सकते हैं, एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो देखो हम लोगों को ये कंडीशन मिल गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो देखो हम लोगों को ये कंडीशन मिल गया है, दैट्स वाई वी कैन से दैट द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय आर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। सो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7, क्योंकि एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, सो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7। फर्स्ट वी विल गो फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में कंडीशन क्या है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। तो मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एंड एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 7। बाई दिस कंडीशन हियर वी सिंपली रिप्लेस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो ये देखो ये जो दोनों हम लोगों को कंडीशन मिला है, दिस इज कंट्राडिक्टिंग इच अदर। हाउ कैन इट पॉसिबल दैट एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, और हाउ कैन इट पॉसिबल दैट एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 7। इट हैज़ द पॉसिबिलिटी दैट एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, बट एक्स माइनस एक्स कैनॉट बी 7। दैट्स वाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड we also say that xx does not belongs to R, or we can say that it is not reflexive. Now next go for symmetry. Symmetric mein condition kya hai, xy belongs to R implies that yx should be belongs to R. To pehle hum log ye dekhte hain, xy belongs to R, तो इसमें वैल्यू क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन y, देन x माइनस y इक्वल टू 7, देन y x बिलोंग्स टू R। इसका मीनिंग क्या हो गया, y इज ग्रेटर देन x, y माइनस x इक्वल टू 7। तो नाउ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे बिटवीन दिस टू वैल्यूज, तो पहले ही ये देखो x इज ग्रेटर देन y, देन y इज ग्रेटर देन x। पहले तो ये वैल्यू ही हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हाउ कैन x इज ग्रेटर देन y एंड एट द सेम टाइम इट इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन x। सो अगेन वी कैनॉट कंसिडर दिस वैल्यूज बिकॉज इट इज कंट्राडिक्टिंग इच अदर। दैट्स वाई अगेन वी कैन से दैट xy belongs to R, but yx is not belongs to R. That's why the relation is not symmetric. Then transitive. So in transitive condition kya hai, xy belongs to R and yz belongs to R implies that xz should be belongs to R. So ye condition hai transitive ke liye. तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7। देन नेक्स्ट इज वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वाई इज ग्रेटर देन जेड एंड एक्स माइनस जेड इक्वल टू 7। तो अगर हम लोग ये दोनों वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं, तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, x इज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z एंड देन x इज ग्रेटर देन z। तो ये देख के तुम लोग, कोई कोई स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो ये देख के ये बोलते हैं कि दिस इज ट्रांजिटिव, बिकॉज पार्शियली तो ये फुलफिल हो रहा है कंडीशन,
बट दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि अगर तुम लोग ये देखते हो एक्स से वाई अगर 7 सेंटीमीटर टॉलर है एंड क्या होगा, दिस इज वाई माइनस जेड, ओके, सो वाई भी जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो अगर हम लोग ये दोनों वैल्यू को कंबाइन करेंगे तो हम लोग एक्स माइनस जेड इक्वल टू हम लोगों को वैल्यू 14 मिलेगा, ठीक है। एक्स माइनस जेड का वैल्यू हम लोगों को 14 मिलेगा, क्योंकि तुम ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, सपोज दिस इज एक्स, ठीक है, एंड सिंस वी कंसिडर दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड इसका डिफरेंसेस क्या है, हाइट का डिफरेंसेस है 7 सेंटीमीटर, देन अगेन वी कंसिडर दैट वाई जेड इज बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स वाई इज ग्रेटर देन जेड एंड डिफरेंसेस बिटवीन वाई एंड जेड इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुम क्लियरली ये देख सकते हो कि x एंड z के बीच में हाइट का डिफरेंसेस क्या हो गया, 7 + 7 = 14, तो हम लोगों ने ये ही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर तुम लोगों को ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो तुम लोग ये डायग्राम देख लो, इसमें क्लियरली तुम लोगों को पता चल जाएगा। इसमें पहले हम लोगों को कंडीशन क्या था, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सो एक्स इज ग्रेटर देन वाई, सिंस हाइट बड़ा है ना, तो इसको हम लोगों ने पहले लिखा है, तो इन लोगों का डिफरेंस क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। देन हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो वाई ये हो गया, जेड इसके नीचे आ गया, एंड वाई एंड जेड का डिफरेंसेस क्या है 7 सेंटीमीटर, तो इस डायग्राम में एक्स एंड जेड का टोटल डिफरेंसेस क्या होगा, 7 + 7 = 14, दैट्स वाई वी कैन से दैट एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड इट इज not transitive. Question is given that relation R in the set A of human beings in a town at a particular time given by R is equal to XY, X is wife of Y. So first देखते हैं reflexive के लिए क्या होता है, reflexive में condition क्या है, XX belongs to R. तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। सो प्रैक्टिकली इफ वी सी द प्रैक्टिकल वर्ल्ड देन दिस इज नॉट पॉसिबल, हाउ कैन अ पर्सन कैन बी वाइफ टू हिमसेल्फ, इट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर नॉट सेटिस्फाइड, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट वन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में कंडीशन क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये कंडीशन फुलफिल होना है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, ये कैसा होगा, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, तो ठीक है। तो इसमें देखो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इसका मीनिंग क्या होगा, वाई तो हो गया हस्बैंड, ठीक है। तो नेक्स्ट कंडीशन में हम लोगों ने क्या लिखा, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, सो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इफ एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई देन वाई इज द हस्बैंड, तो हस्बैंड किसे वाइफ हो सकता है, सो अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई वी कैन से दैट वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू वाई और दिस इज नॉट सिमेट्रिक। देन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में कंडीशन क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो पहले लिखते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होने से मीनिंग क्या हो गया, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू हस्बैंड। देन वाई जेड बिलोंग्स टू आर,
तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वाई इज वाइफ ऑफ जेड. तो इसमें क्या हो गया, जेड इज हस्बैंड हो गया. तो तुम ये देखो, प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना. वाइफ किसको बोलता है, जो एक कपल में जो फीमेल होता है उसको ऑलवेज वाइफ बोला जाता है, और जो मेल होता है उसको ऑलवेज हस्बैंड बोला जाता है. तो इसमें क्लियरली एक्स इज़ ए फीमेल, वाई इज़ ए मेल पर्सन. तो इसमें मीनिंग क्या हो गया, वाई इज़ ए वाइफ ऑफ जेड. तो अगर हम लोग ये कंडीशन भी कंसिडर करते हैं ना, तो ऐसा क्या हो गया, ऑल ऑफ द सडन दे हैव चेंज्ड देयर जेंडर. सो इन मेडिकल साइंस इट इज़ पॉसिबल, बट इफ़ यू क्लियरली सी दैट एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल. हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है, वाई कैन बी वाइफ ऑफ जेड, लेकिन एक टाइम में तो नहीं हो सकता है. एक टाइम में ये मेल है और एट द सेम टाइम ये फीमेल भी है. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन ये पॉसिबल है अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइम में अगर हम लोग कंसिडर करेंगे. ये सपोज कुछ ऑपरेशन वो वगैरह कर रखे, ही कैन सेंस हिज जेंडर, बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट पॉसिबल. दैट्स वाई यू कैन सी दैट एक्चुअली दिस कंडीशन कैन नॉट बी अप्लाइड. सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट ट्रांजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई. सो अगेन पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव में कंडीशन क्या है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर. तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज फादर ऑफ एक्स. सो अगेन ये देखो, लास्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था ये तो सेम ही हो गया. एक पर्सन खुद के फादर नहीं हो सकता है, तो दैट्स वाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड वी कैन से दैट एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर एंड इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. देन सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में क्या कंडीशन है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स शुड बी बिलोंग्स टू आर. इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्स इज फादर ऑफ वाई. दैट मीन्स वाई क्या हो गया, वाई इज सॉन ऑफ एक्स. बट इसका मीनिंग क्या हो गया, वाई इज फादर ऑफ एक्स हो गया. सो प्रैक्टिकली ये देखो, ये भी पॉसिबल नहीं है. एक पर्सन एक्स इज फादर ऑफ वाई होने के बाद वाई तो एक्स का फादर नहीं हो सकता है. दैट्स वाई अगेन दिस इज नॉट सिमेट्रिक. देन ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर. इट विल बी एक्स जेड शुड बी बिलोंग्स टू आर. तो तुम लोग ऐसे देख सकते हो कि एक्स इज फादर ऑफ वाई देन वाई इज फादर ऑफ जेड. देन हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्स इज ग्रैंडफादर ऑफ जेड. ठीक है, ये दोनों रिलेशन से हम लोगों को ये मिलेगा कि एक्स इज ए ग्रैंडफादर ऑफ जेड. बट अगर हम लोग ये कंडीशन देखते हैं तो ये कंडीशन में क्या है, ये कंडीशन में ये है कि एक्स इज फादर ऑफ जेड. सो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और वी कैन से दैट इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव.